हाय, वेलकम टू पीएलपी एडवाइजरी सर्विसेज। माय नेम इज अनिल वर्मा। और फाइनली डीएलएफ ने प्रिवाना वेस्ट का रेरा रिसीव कर लिया है, जिसकी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन हमें मिल चुकी है। क्या स्पेसिफिकेशंस होगी, क्या प्राइसेस होंगे, कब लॉन्च डेट है, एवरीथिंग विल बी रिवील्ड इन दिस वीडियो। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और इसी तरह की इन्फॉर्मेशन लगातार आप तक पहुँचे उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो बात करते हैं प्रिवाना वेस्ट की। तो प्रिवाना वेस्ट आपका जो 115 एकड़ का इनका लैंड पार्सल है सेक्टर 76 में, जिसको के डीएलएफ प्रिवाना भी कहते हैं, उसके अंदर 15 एकड़ का एक पैच है। 15 एकड़ के पैच में आपको 5 हाई एंड हाई राइज रेजिडेंशियल टावर्स मिलते हैं, टॉप पे आपको मिलते हैं पेंट हाउसेज के ऑप्शन। तो टोटल मिला के इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको 795-800 के आसपास अपार्टमेंट्स मिलेंगे, 10 आपको पेंट हाउसेज मिलेंगे। एक ही तरह का स्पेसिफिकेशन 4 BHK ही इसके अंदर आपको मिलती है, एक ही तरह की जेंट्री इसमें क्रिएट करने की कोशिश है डीएलएफ की। 3577 स्क्वायर फीट के इसमें साइजेस रहने वाले हैं, जैसे कि आपके प्रिवाना साउथ के अंदर था उसी तरह की एमेनिटीज है, उसी तरह की स्पेसिफिकेशंस है। एवरीथिंग विल बी जस्ट लाइक आपका प्रिवाना साउथ। 3 कार पार्किंग्स आपको मिलती है, ऑलमोस्ट फर्निश्ड अपार्टमेंट्स आपको मिलते हैं। जो अलग है प्रिवाना साउथ से वो यही है कि ये 115 एकड़ का एक ऐसा पार्ट है जैसा कि आपको डीएलएफ फेज 5 के अंदर अरालियाज, कैमेलियाज और मैग्नोलियाज देखने को मिलते हैं, कि एक सेंटर में सर्कल है जिसको आप राउंड अबाउट भी कह सकते हो, गोल्फ लिंक कह लो। लेफ्ट हैंड साइड में आपको मैग्नोलियाज और अरालियाज मिलते हैं, राइट हैंड साइड में आप जाते हैं तो आपको कैमेलियाज मिलता है, सेंटर में आपको ग्रीनरीज मिलती है, आपको 18 होल गोल्फ कोर्स मिलता है, आपको एक लेक मिलती है, 300 एकड़ का आपको डेली ग्रीन्स की बेल्ट मिलती है। तो शायद इसी वजह से ये बहुत ही प्रीमियम प्रॉपर्टी बनी। द सेम वे ये आपका पैच निकल कर आएगा जब ये तीनों टाउनशिप, जैसे कि ये यहाँ पे मार्केट कर रहे हैं मिनी कैमेलियाज, मिनी मैग्नोलियाज, मिनी अरालियाज, जब ये तीनों टाउनशिप्स आपकी बनके तैयार होगी 115 एकड़ के अंदर में, तो जो सेंटर में है आपका वो कम से कम 60-65 एकड़ का आपको ग्रीन बेल्ट मिलता है। अब वो जो ग्रीन एरिया है, डीएलएफ का ये प्लान है कि उस टाइम के हिसाब से जो वहाँ पे एक बेस्ट एमिनिटी होगी वर्ल्ड वाइड, वो हम आपको उस प्रोजेक्ट के अंदर देने की कोशिश करेंगे। अब वो हो सकता है कि वहाँ पर आपको गोल्फ कोर्स मिले अलॉन्ग विद आपको मैन मेड लेक मिले, या हो सकता है उस वक्त आपको और कोई एमिनिटीज दे वहां पे। तो वो जो है प्रॉपर्टी आपकी प्रिवाना वेस्ट, उसी हिसाब से एक बहुत ही प्रीमियम प्रॉपर्टी निकल कर आने वाली है। और इसके बाद डीएलएफ का प्लान ये है कि अगले 2 से 2.5 साल जो है वहां पर कोई भी प्रोजेक्ट वो लॉन्च नहीं करेगा प्रिवाना के अंदर। उसका जो कंसंट्रेशन है वो आपका गोल्फ कोर्स रोड पर भी, उनके पास 29 एकड़ का लैंड पैच है, उसके अलावा उनके पास डीएलएफ फेज 5 के अंदर है, फेज 4 के अंदर भी उनके पास एक लैंड पार्सल है, डीएलएफ वहां पर भी लॉन्च कर सकता है। तो 2-2.5 साल तक आपको इस लोकेशन पे कोई लॉन्च नहीं मिलेगा। तो कहीं ना कहीं 2-2.5 साल के अंदर आपके इस लोकेशन के जो प्राइसेस है काफ़ी ऊपर जाएंगे। तो इस लोकेशन पे अगर आप डीएलएफ जैसे बिल्डर के अंदर एक लग्जरी अपार्टमेंट खरीदना चाहते हैं तो डीएलएफ प्रिवाना वेस्ट एक बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि 2-2.5 साल बाद जब भी नया लॉन्च होगा तो उसमें जो प्राइस गैप है प्रिवाना वेस्ट और उसके अंदर वो काफ़ी ज़्यादा होगा। आसपास की मैं बात करूं तो बिल्कुल साथ में ही आपको 10,000 एकड़ का लेपर ट्रेल मिलता है, 2 से 2.5 किलोमीटर के सराउंडिंग में आपको 4 से 5 गोल्फ कोर्सेज मिलते हैं, आपको अरावली रेंज साथ में ही मिलती है, तो जिसकी वजह से आपका जो डेंसिटी है वो लो डेंसिटी जोन में आप आते हो, जिसकी वजह से आपका जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है कहीं ना कहीं आपको बेटर मिलता है कंपेयर टू अदर लोकेशन ऑफ गुड़गांव। NH8 आपके बिल्कुल साथ में ही लगता है, 1.5 किलोमीटर पर आपको CPR मिलता है, जिसके थ्रू आप सीधा द्वारका एक्सप्रेसवे से कनेक्ट हो सकते हो, वहाँ से 15-20 मिनट में आप सीधा दिल्ली पहुँच सकते हो। तो कनेक्टिविटी के हिसाब से भी प्रिवाना बहुत ही वेल प्लेस्ड है, बहुत ही अच्छे से प्लेस्ड है इस लोकेशन पे, जहां से आप अगर दिल्ली जाना चाहते हो थ्रू NH8 और द्वारका एक्सप्रेसवे तो इजीली कम्यूट कर सकते हो। अगर आपको इस पार्ट में आना है, गुड़गांव के गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड आना है, गोल्फ कोर्स रोड आना है, साइबर सिटी जाना है, तब भी आपको वहां से 15-20 मिनट का ही टाइम लगेगा। तो सेंट्रली लोकेटेड ये टाउनशिप आपको मिलती है।
आगे बात करें तो डीएलएफ के पास एसपीआर पे कम से कम 1000 एकड़ का लैंड बैंक है, जो कई ऐसा नहीं कि परिवाना में ही है, उसके अलावा उनके पास कई सेक्टर्स में है। उनके पास डीएलएफ कॉरपोरेट ग्रीन जहाँ पे है वहाँ पे भी बहुत सारा लैंड पार्सल है अभी बचा हुआ, जिसपे कि आने वाले टाइम में वो कमर्शियल भी लेकर आएंगे, रेजिडेंशियल भी लेकर आएंगे। इसके साथ साथ ही परिवाना के बिल्कुल साथ में ही 63 एकर्स में एक वो बहुत ही बढ़िया रिटेल मॉल लेकर आएंगे, लग्जरी रिटेल मॉल लेकर आएंगे, जिसको कि पूरे का पूरा डीएलएफ ही ओन करेगा। जिस तरह के ब्रांड्स उसमें लाएगा तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं वो एक बहुत ही बड़ा क्राउड पुलर होगा। गुड़गांव से तो छोड़िए, दिल्ली एनसीआर से वहाँ पर लोग आपके शॉपिंग करने आएंगे, तो जिसकी वजह से आपकी प्रॉपर्टी को कहीं ना कहीं एप्रिसिएशन मिलने के पूरे चांस है। साइबर सिटी 2 जो कि आपका साइबर सिटी 1 से बेटर एमिनिटीज के साथ होगा, बेटर स्पेसिफिकेशंस के साथ होगा, वो भी जल्दी ही डीएलएफ वहाँ पर स्टार्ट करने वाला है। टाइमलाइन क्या है वो देखिए अभी कुछ भी फाइनल नहीं है, लेकिन ये चीज़ें वहाँ पर डेफिनेटली होनी है, और जब भी होगी तो वो बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट डालेगी आपके प्रॉपर्टी के एप्रिसिएशन पर। क्योंकि जिस तरह के टेनेंट डीवेलप के आपके एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट के अंदर है, डीएलएफ के जितने भी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं कमर्शियल, आप उसके अंदर टेनेंट्स को देखिए तो सारे ए ग्रेड टेनेंट्स हैं। फॉर्चून 500 टेनेंट्स जो गुड़गांव के अंदर जिन्होंने ऑफिसेज खोले हैं, उसमें से मैक्सिमम जो टेनेंट्स हैं वो डीएलएफ के ही कमर्शियल के अंदर बैठे हुए हैं। तो उसी तरह की कंपनीज में जॉब करने वाले लोग ही इसी तरह की प्रॉपर्टीज को अफोर्ड कर सकते हैं या रेंट पर रह सकते हैं। तो जब आपके पड़ोस में ही डीएलएफ साइबर सिटी 2 है तो वो लोग फर्स्ट प्रेफरेंस हमेशा परिवाना को ही देंगे। तो ये एक बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आपके लिए निकल कर आ सकता है। तो जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि डीएलएफ का परिवाना वेस्ट का रेरा आ चुका है, ईओआई प्रोसेस फास्ट ट्रैक पे जा चुका है, मई के अंदर ये प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाला है। लिमिटेड अपार्टमेंट्स हैं, 800 के आसपास टोटल अपार्टमेंट्स हैं, सारे 4 BHK हैं, तो कहीं ना कहीं मारामारी रहेगी अच्छी इन्वेंट्री और बेटर प्राइस की। तो अगर आप डीएलएफ परिवाना वेस्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो दिस इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। जस्ट कॉल अस ऑन द नंबर्स मेंशन्ड ऑन दिस यूट्यूब वीडियो स्क्रीन। सो इट वॉज ऑल अबाउट डीएलएफ परिवाना वेस्ट। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी जस्ट कॉल अस। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।